डर। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर जरूर होता है। और इसमें भूत प्रेत एक खास वजह है। बहुत से लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। लेकिन विज्ञान से जुड़े लोग इसे नहीं मानते, क्योंकि भूत साइंटिफिकली सिद्ध नहीं है। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में इसे मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। एक अमेरिकी सर्वे में पाया गया है कि 45% लोग भूतों पर यकीन करते हैं, जिनमें से बहुत से लोगों ने कहा है कि भूत प्रेत जैसा कुछ तो होता है। इसमें से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है। अब इतने सारे लोग मानते हैं तो हम इस चीज को मान लेते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमें भी हमारी कुछ भूतों के बारे में जो घटनाएं होती है वो हमें याद आने लगती है। वो रात की एक घटना, जब आप घर पे हो या घर से कहीं बाहर हो, वो रात का भयानक अंधेरा आपको याद आता है। वो सन्नाटा भी इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक भी आपको सुनाई दे। और अचानक धीरे धीरे खिड़की खुलने की आवाज आती है। पर्दे हवा से धीरे धीरे हिलने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस कमरे में कोई तो है और वो आपको देख रहा है। उस रात को आपने कैसे तो भी निकाल लिया, लेकिन उसके बाद आपके मन में ये यकीन जरूर बैठ गया होगा कि कुछ तो था। भारी बारिश की वो अंधेरी रात, गड़गड़ाहट की आवाज, इतना काफी होता है आपको डराने के लिए। लेकिन असली डर तो तब लगता है जब बिजली की चमक के साथ आपको कुछ नजर आता है और फिर गायब हो जाता है। और बाकी हॉन्टेड मूवीज वो तो हमें डराने के लिए काफी होती है। बस हर तरफ डर ही डर है और हर तरफ डर का माहौल बना दिया गया है। और हमारे यहाँ तो उसका ओवरडोज ही मिलेगा। यहाँ आपको डर खरीदना नहीं पड़ता। यहाँ हर गली मोहल्ले में आपको एक डराने वाली कहानी जरूर सुनाई देगी। किसी ने उल्टे पैर वाला भूत देखा तो किसी ने घूमती हुई खोपड़ी का भूत देखा तो किसी ने बिना आँख वाला भूत देखा और किसी ने तो जानवर से भूत बनते देखा है। पुराने समय में लोग नर भूतों को देखा करते थे, फिर बाद में कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी मोमबत्ती हाथ में लिए एक औरत दिखाई दी, और आजकल तो बच्चों को भी भूत दिखाई दिए। खैर, हम यहाँ हॉरर मूवीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दावा करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है। जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं उनकी वो कहानियाँ हमें बार बार डराती है। क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है? देखो, हम अपने दिमाग से हर चीज समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को समझने की कोशिश नहीं करते। हमारा दिमाग बहुत रहस्यमयी है, उसे जो बात बताई गई है वही वो समझता है। जैसे कि हम मानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च एक पवित्र जगह है, वही दूसरी तरफ हम मानते हैं कि खंडर, शमशान एक भूतिया जगह है। और इन्हीं सारी जानकारियों के बाद हमें किसी शमशान, खंडर और ऐसी अजीब जगहों से गुजरना पड़े तो इसकी पहचान हमारे दिमाग में एक भूतिया जगह की पहले से ही होती है। तो ऐसे में हमारा दिमाग किसी न किसी भूत प्रेत जैसी घटनाओं के लिए हमें तैयार रखता है। अब आगे का काम वहाँ का माहौल, वो अजीब आवाज करती है, ऐसे में उस जगह पर देखी गई धुंधली सी वो अधूरी जानकारी ही हमारे दिमाग तक पहुँच पाती है, जिससे रात के अंधेरे में किसी पेड़ की आकृति या किसी जानवर को एक भयानक भूत में बदल देता है। और इतना होते ही हमारे साथ और एक हरकत होती है। भूत के पहचान के साथ हमारे दिमाग में एक जानकारी यानी खतरा और खतरे का मैसेज मिलते ही हमारे दिमाग हमें चौकन्ना करता है, जिससे हमारा दिल तेज धड़कना शुरू कर देता है और घबराहट शुरू होती है। और हमारी घबराहट को बढ़ाने में एक और चीज काम करती है, वहां हिलने वाले पेड़ के पत्ते और सरसराहट। और ऐसे हाल में हम पसीने से बेहाल हो जाते हैं, और ऐसे में हमारे शरीर पर एक हल्का सा झोंका भी हमें ये एहसास दिलाता है कि यहाँ पर
कोई तो भी है। देखो ऐसी घटनाओं पर कुत्ता बिल्ली जल्दी रिएक्ट करते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देता वो जानवरों को दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि हो न हो भूत जैसी चीज होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन दबाने के लिए ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल पाए।